करदा में शमशान घाट जाने वाला रास्ता ठीक नहीं होने से रुक रहा है वर्षों पुराने सप्तऋषि महादेव मंदिर का विकास कार्य। संतों ने कहा नेता आकर चले जाते हैं परंतु सड़क कार्य नहीं करवाते हैं। उदयपुर जिले के सायरा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत करदा में मुख्य मार्ग से शमशान घाट तक जाने वाले रास्ते के बदहाल होने की स्थिति में आज गांव के सप्तऋषि महादेव के संतों ने प्रशासन से रास्ता दुरुस्त कराने की अपील की। महंत देवगिरी जी महाराज ने बताया कि मुख्य चौराहे से महादेव मंदिर के रास्ते की स्थिति बहुत खराब है, जिससे आम नागरिकों एवं राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। महंत ने बताया कि कोरोना काल के समय उन्होंने स्वयं 70 से 80 हज़ार रुपये का खर्च कर जेसीबी और मिट्टी से रास्ता सही करवाया था, परंतु 2 सालों में भारी बारिश के चलते रास्ता पुनः खराब हो गया। साथ ही महंत देवगिरी जिन्हें सप्तऋषि महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना चाहते हैं, जिसके लिए बाहर से पत्थर और सामग्री भी मंगवाई गई, परंतु रास्ता खराब होने के चलते ट्रैक्टर और टोलियां मंदिर तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण 2 सालों से कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं महंत ने विधायक प्रतापलाल गमेती से अपील करी कि वे जल्द सी सड़क बनवाए ताकि वर्षों पुराने सप्तऋषि महादेव मंदिर का भव्य मंदिर बन सके। वही आपको बता दें कि विधायक प्रतापलाल गमेती ने करीबन 1 वर्ष पूर्व यहां आकर सड़क बनवाने की बात कही थी, परंतु अभी तक रास्ता दुरुस्त नहीं हो पाया। सड़क निर्माण के लिए ग्राम पंचायत ने उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली और विधायक प्रतापलाल गमेती को पत्र लिखकर अवगत करवाया। पत्र में बताया कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य करवाया जाए ताकि राहगीर एवं आम नागरिक परेशानियों से मुक्त हो सके। इस दौरान महंत देवगिरी जी महाराज, महंत प्रमोद गिरी महाराज, नरेश देवड़ा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। हाँ महाराज, मैं श्री देवगिरी महाराज निवेदन कर रहे हैं राजस्थान सरकार से कि हमारे शमशान घाट कोरोना काल में जब मूर्ति होने लगी तो हमारे झोली से हमने 70-80 हज़ार रुपया लगा के गांव का थोड़ा रास्ता ठीक कराया। उसके बाद में कोई पंचायत का से कोई काम हुआ नहीं। गवर्नमेंट के सब MLA सब प्रताप राम जी भी आए थे हमारे यहाँ, तो वो भी बोल के गए थे, वो वापिस उस बात का कोई निवेदन हुआ नहीं। और अभी हम मांग मांग के बार बार कहाँ से रास्ता कराएंगे, और रास्ता बहुत ख़राब है। हमारे मंदिर का कार्य 2 साल से पड़ा है, तो मंदिर वाला भी हमारे को परेशान करता है कि मंदिर नहीं बनाएगा तो भी क्या करेगा, मंदिर का पैसा भी दे दिए और परेशान करते हैं। मार्ग माल मटेरियल आते नहीं है, माल लाने जाने में दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, और बार बार जा जा के हम धक्का खा के वापस आ रहे। तो हमारे देवगिरी जी महाराज का ये कहना है कि ग्राम पंचायत करदा में सप्तऋषि महादेव का जो मंदिर है पुराना और शमशान घाट भी है, जो रास्ता बन रहा है वो आने जाने में परेशानी हो रही है लोगों को और काफ़ी दिक्कत हो रही है। वो तो हो रही है, लेकिन जो मंदिर का जो काम चल रहा है और जो सामान मटेरियल लाने में दिक्कत हो रही है, बहुत सारी दिक्कत जो मैं आप लोग फोटो में जरिए बता रहा हूँ और आपको अवगत कराऊँगा। फॉर्मेट सारा तैयार कर चुका हूँ, प्रशासन इस पर ध्यान दे, हमारी भी रिक्वेस्ट है गाँव वालों की तरफ से। धन्यवाद।